अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं पाँच वाला घर परगेट लाहौर में। लोकेटेड है 2545 इस घर के डायमेंशन है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है। ये इस रोड का व्यू है, ये बिल्कुल सामने कमर्शियल मार्केट आपको नज़र आ रही है। कमर्शियल मार्केट इस रोड के बिल्कुल नियर टू है, कनार रोड इस लोकेशन के बिल्कुल करीब है। आइडियल लोकेशन पर यह घर मौजूद है। इस ब्लॉक में मस्जिद पार्क इस ब्लॉक में मौजूद है, कमर्शियल मार्केट इस ब्लॉक में मौजूद है। ये इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू है। ये राइट साइड पे आपको विंडो नज़र आ रही है, यूपीबीसी की ये विंडो दी गई है, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है। ये फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है और आप देख सकते हैं ये वुडन डिज़ाइन में इसके साथ कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है। और ये बिल्कुल फ्रंट पे 2x4 की ये टाइल यूज़ की गई है वाइट कलर में। और ये लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं ये इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया है। आयरन डोर इसमें दिया गया, बड़ा खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन है। फ्रंट से इसे कम्प्लीट कवर्ड किया गया, बच्चों की सेफ्टी के लिए ये प्रॉपर सिटिंग प्लेस दी गई है ये टेरेस में। ये ऊपर टॉप पे इसकी ममटी का व्यू है, ये इसके रैंप का व्यू है। इसके साथ ये फ्रंट इस मेन वॉल डिज़ाइन की गई है इसकी, आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। आर्टिफिशियल ग्रास इसमें यूज़ किया गया, टाइल वर्क हुआ है, रॉक वॉल किया गया, लाइट्स दी गई हैं, प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल हैं। बड़ा खूबसूरत इस वॉल को डिज़ाइन किया गया, इसमें आउटर लॉन दिया गया। ये इसके रैंप का व्यू है और ये इसका मेन डोर डिज़ाइन किया गया, आप देख सकते हैं ब्लैक और सिल्वर कलर में इसे पेंट किया गया, बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन का क्लोज व्यू है, ये आप देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पे ये इसके गैराज का व्यू है। ये इसका फ्रंट मेन डोर डिज़ाइन किया गया, सॉलिड वुड में इसे तैयार किया गया, बड़ा खूबसूरत डोर्स का डिज़ाइन है। ये लेफ्ट साइड में डोर दिया गया, ये अंदर से स्टेज के सामने आएगा, यानी कि डबल यूनिट घर है, ऊपर वाला पोर्शन आप सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। ये इसके गैराज का सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। ये लेफ्ट साइड पर ये वॉल डिज़ाइन की गई है, कम्प्लीट इसमें टाइल वर्क हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क के साथ ये डेकोर किया गया, ये मोज़ेक वर्क हुआ है, बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। और ये गैराज में आप देख सकते हैं कम्प्लीट यहाँ पर टाइल वर्क हुआ है। ये राइट साइड पर फ्रंट ओपन स्पेस दी गई है, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क हुआ है। ये कंप्लीट इस वॉल को डेकोर किया गया, ये वाटर यूनिट दिया गया यहाँ पे। ये इसमें विंडो दी गई है, यूपीवीसी की ये विंडो है, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है। नीचे ड्राइंग रूम की विंडो है ये ग्राउंड फ्लोर पे, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर इसके बेडरूम की विंडो है। ये इसका टेरेस है, ये नीचे इसके गैराज का व्यू है। ये इसका मेन डोर दिया गया, ये राइट साइड पर ड्राइंग रूम का डोर है, ये ड्राइंग रूम के डोर से हम एंटर होंगे। ये आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत ये डोर का डिज़ाइन है। ये इसके ड्राइंग रूम का व्यू है, ये राइट साइड पे विंडो दी गई है, आप देख सकते हैं सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है, काफ़ी वाइडर स्पेस है इस विंडो की। अभी हमने ये बाहर से विजिट किया, बाहर से ये फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। ये इसके फ्रंट मेन वॉल डिज़ाइन की गई है, आप देख सकते हैं मिरर इसमें यूज़ किया गया, वुडन वर्क हुआ है, ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया, लाइट्स दी गई हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ग्लास इसमें यूज़ किया गया है, वुडन वर्क हुआ है, इसमें फैन यहाँ पर इंस्टॉल है, बहुत ही खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये नीचे ग्राउंड पर आप देख सकते हैं 2x4 की टाइल यूज़ की गई है। ये इस ड्राइंग रूम का व्यू है कंप्लीट, और ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है, ये आप देख सकते हैं। ये वुडन वर्क है यहाँ पे, ये ड्राइंग रूम को लिविंग एरिया से सेपरेट किया गया, यहाँ पे आप कर्टन यूज़ करके इसे प्रॉपर लिविंग एरिया से ड्राइंग रूम को सेपरेट कर सकते हैं। ये हम इसके लिविंग एरिया में आगे हुए हैं, ये बिल्कुल सामने फ्रंट मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है इसकी, आप देख सकते हैं मिरर इसमें यूज़ किया गया, कोशिश किया गया, इसमें वुडन वर्क हुआ है, बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये वॉलपेपर इस वॉल में यूज़ किया गया, मोज़ेक वर्क हुआ है, वुडन वर्क हुआ है, ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ग्लास मिरर इसमें यूज़ किया गया, वुडन वर्क हुआ है, फैन यहाँ पर इंस्टॉल है, खूबसूरत शैंडल यहाँ पर इंस्टॉल है। ये ड्राइंग रूम एरिया है, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है, ये बिल्कुल सामने स्टेज दी गई है, ये स्टेज ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर लेंगे। स्टेज के साथ ये पाउडर रूम दिया गया, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम दिया गया, इसके साथ ये किचन स्पेस है। पहले हम इसका किचन विजिट कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका ये किचन डिज़ाइन किया गया कम्प्लीट। यहाँ पर टाइल वर्क हुआ है, बर्नर वुड सिंक यहाँ पर इंस्टॉल है, ये कवर्ड स्पेस दी गई है यहाँ पर। ये इसमें डोर दिया गया, इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रहा है, ये विंडो दी गई, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं सिंपल और यूनिक इसका सीलिंग डिज़ाइन है, खूबसूरत शैंडल यहाँ पे इंस्टॉल है, एग्जास्ट दिया गया। ये मैं आपको इसकी बैक गली विजिट करवा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं डबल डोर दिया गया इसके किचन में। ये इसकी वॉल को कम्प्लीट डिज़ाइन किया गया, आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क हुआ है यहाँ पर। ये वाटर यूनिट दिया गया, ये इसके किचन की विंडो है, ये किचन का डोर है, इसके साथ ये बेडरूम की विंडो है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर।
ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है, इसके साथ ये किचन की और ये वॉशरूम की विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है। ये इसके किचन का व्यू है अगेन, ये नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं वुडन डिजाइन में ये टाइल वर्क हुआ है इसमें। इसके साथ ये बेडरूम दिया गया है, ये आप विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इस बेड को डिज़ाइन किया गया, ये विंडो दी गई, अभी हमने ये विंडो इसकी बैक गली से विजिट की है, ये मीडिया वॉल इसमें डिज़ाइन की गई है, ये इसमें बेड साइड वॉल डिज़ाइन की गई है, आप देख सकते हैं कोशिश किया गया इसे वुडन वर्क हुआ है, खूबसूरत ग्लोब यहाँ पर स्टोर है वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर स्टोर है। ये नीचे ग्राउंड पर आप देख सकते हैं 2x4 की टाइल यूज़ की गई है, ये बेड साइड वॉल के सामने ये आप देख सकते हैं कवर्ड स्पेस दी गई, ये इसमें वॉशरूम का व्यू है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसके वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया, ये विंडो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन हो रही है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, मिरर सिंक ये आपने स्टोर है, कमोड शावर सेट ये एग्जॉस्ट दिया गया, ये इस बेडरूम का व्यू है कंप्लीट। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, ये बेडरूम अभी हमने विजिट किया, इसके साथ किचन स्पेस है, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं, ये इसका ड्राइंग रूम एरिया दिया गया है, अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्टेज दी गई है, इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर रही है, ये स्टील स्टेज दी गई है, ग्लास इसमें यूज़ किया गया और ये स्टेज का व्यू खूबसूरत बनाने के लिए ये वॉल के साथ आप देख सकते हैं कंप्लीट ये वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉल पर इसमें यूज़ किया गया वुडन वर्क हुआ है, बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये अगेन व्यू है इसका लिविंग एरिया का, ये हम ऊपर आ गए फर्स्ट फ्लोर पर इसके लिविंग एरिया में, ये आप देख सकते हैं ये इसकी फ्रंट मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया, ग्लोब यहाँ पर स्टोर है, ये नीचे ग्राउंड पे 2x4 की टाइल यूज़ की गई, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर स्टोर है, ये स्टेज के साथ लेफ्ट साइड पे ये बेडरूम दिया गया, इसके साथ किचन स्पेस है और ये राइट साइड पर ये टेरेस का डोर दिया गया और साथ ही फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का बेडरूम है। पहले हम इसकी लेफ्ट साइड विजिट कर लेते हैं, किचन इसका विजिट कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये कबर्ड स्पेस दी गई है यहाँ पर, ये वुडन डिज़ाइन में ग्रे कलर में ये कबर्ड शीट इसमें यूज़ की गई है, बर्नर वुड सिंक यहाँ पर स्टोर है कंप्लीट, यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है, वॉल के साथ ये विंडो दी गई, इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन हो रही है, एग्जॉस्ट दिया गया, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये हम वापस आ गए हैं लिविंग एरिया में, इसके साथ ये बेडरूम का डोर है, ये हम विजिट कर लेते हैं, सॉलिड वुड में तमाम डोर तैयार किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, ये इसकी बेड साइड वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया वुडन वर्क हुआ है, ग्लोब यहाँ पर स्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर स्टॉल है, ये विंडो दी गई इसमें, ये इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन हो रही है, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई, UPVC की ये विंडो दी गई, ये कबर्ड स्पेस दी गई यहाँ पर, ये इसमें वॉशरूम का व्यू है, ये आप देख सकते हैं कमोड यहाँ पर स्टॉल है कम्प्लीट, यहाँ पर टाइल वर्क हुआ है, शावर सेट मिरर सिंक यहाँ पर स्टोर है, ये लाइट्स दी गई हैं, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये एग्जॉस्ट दिया गया, ये विंडो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन हो रही है, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई, ये इस वॉशरूम का व्यू है कंप्लीट। ये इस बेडरूम का कंप्लीट व्यू है, ये हम वापस आ गए हैं लिविंग एरिया में, ये लेफ्ट साइड हम कम्प्लीट विजिट कर चुके हैं, ये बेडरूम दिया गया, इसके साथ किचन स्पेस है, ये हम विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं और ये राइट साइड पे टेरेस दिया गया है और साथ ही फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं ये निशेष दी गई है, यहाँ पे मिरर इसमें यूज़ किया गया वुडन वर्क हुआ है, ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है, ये सामने से फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई, ये इसकी बेड साइड वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया, ग्लोब यहाँ पर स्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर स्टॉल है, ये बेड साइड वॉल के बिल्कुल सामने ये मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई, ये इसमें कबर्ड स्पेस दी गई, ये इसमें वॉशरूम का व्यू है, ये आप देख सकते हैं मिरर या सिंक कमोड शावर सेट यहाँ पर स्टॉल है कम्प्लीट, यहाँ पर टाइल वर्क हुआ है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई, ऊपर इसकी छत की तरफ ओपन हो रही है, ये इस बेडरूम का व्यू है कंप्लीट।
जी हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ये टेरेस का डोर है, टेरेस हम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं डबल डोर दिया गया इसके टेरेस में, और ये इसके टेरेस को फ्रंट से कंप्लीट कवर्ड किया गया। ये इसके टेरेस का डिज़ाइन है, वाटर यूनिट यहाँ पे दिया गया, ये कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है यहाँ पे। ये इसमें विंडो दी गई, अंदर से स्टेज के सामने आएगी, ऊपर टॉप है इसकी ममटी का व्यू है। ये निशिश दी गई, यहाँ पे आपको पेंटिंग वगैरह कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं। ये स्टेज के साथ लेफ्ट साइड पर बेडरूम दिए गए, साथ किचन स्पेस है। ये इसका लिविंग एरिया है, ये फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का बेडरूम है, और ये टेरेस दिया गया। इस तरह इस घर को डिज़ाइन किया गया। अभी हम इसकी छत और ममटी विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये विंडो दी गई यहाँ पे, ममटी में सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये इसकी छत का मेन डोर दिया गया है। छत पे ये मार्बल वर्क हुआ है, ये वाटर यूनिट दिया गया यहाँ पे। ये इसमें ये वॉशरूम दिया गया यहाँ पे। ये कमर्शियल मार्केट इस ब्लॉक के बिल्कुल नियर टू है। ये इस ब्लॉक का व्यू है, 100% डेवलप ब्लॉक है ये। आप देख सकते हैं 255 इस घर की डिमांड है। जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।